हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है, इसमें पार्किंग लाइट डायरेक्ट हो गया है। यहाँ पे हमने जो पार्किंग लाइट ऑन कर रहे हैं, ये ऑफ ही है। ये देखो, पार्किंग लाइट ऑन करते ही जो है इंडिकेटर के दोनों लाइट ब्लिंक करने लगते हैं और हेडलाइट का, और चाबी ऑन नहीं किया। अभी चाबी ऑन करने के बाद जो है वो ब्लिंक करना बंद हो जाता है। और यहाँ पे जो है डीजल कांटा भी नहीं बता रहा है और एयर मीटर भी नहीं बता रहा है। और जब हेडलाइट चालू कर रहे हैं तो हेडलाइट भी चालू नहीं हो रहा है और ये सब ब्लिंक कर रहा है। ये देखो, चाबी मैंने बंद कर दिया और चाबी ऑन करने के पार्किंग चालू करने के बाद ये ब्लिंक कर रहा है। कभी देखेंगे इसका क्या प्रॉब्लम है, तो अभी इसमें क्लस्टर का प्रॉब्लम है कि वायरिंग का प्रॉब्लम है कि रिले का प्रॉब्लम है कि ग्राउंड का प्रॉब्लम, सब चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्यूज बॉक्स में चलेंगे, वहाँ पे हम पार्किंग की चीज़ें चेक करते हैं। पार्किंग जो तो डायरेक्ट नहीं हो गया है, तो यहाँ पे हम पार्किंग चालू कर रहे हैं, उसके बाद जो है ये हेडलाइट वाला है। यहाँ पर देख रहे दोस्तों, एक प्रॉब्लम ये भी है कि जैसे हम हेडलाइट ऑन करते हैं तो चाबी बंद है। यहाँ पे चाबी बंद है और लाइट जो है स्विच ऑन हो जा रहा है। तो इसका क्या प्रॉब्लम आपको दिखा भी देते हैं। ये देखो, ये हमने बंद किया, ये चाबी का क्लस्टर मीटर बंद हो गया ये, और यहीं से जो है हेडलाइट से ही जो है चाबी ऑन हो रहा है। अभी दिखाते हैं, ये देखिए, हमने पार्किंग ऑन किया, ये इंडिकेटर ब्लिंक करने लगा है, और जैसे हेडलाइट चालू करेंगे यहाँ पे चाबी ऑन हो जा रहा है, और हेडलाइट चालू नहीं हो रहा, सिर्फ चाबी ऑन हो रहा है। तो अभी इसका क्या प्रॉब्लम है, तो अभी हम चेक करेंगे, एक एक करके बताएंगे। तो चलिए फ्यूज बॉक्स के पास वहाँ पे चलते हैं और बता देते हैं। और चाबी ऑन करने के बाद जो है एक बार गाड़ी स्टार्ट करते हैं, देखते स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो चेक कर लेते हैं। यहाँ गाड़ी स्टार्ट होने के बावजूद भी ये लाइटें दोनों ऑन हैं, और एक बार देखते हैं, अभी हमने हेडलाइट की ऑन किया, देखते हैं गाड़ी बंद हो रहा है कि नहीं चाबी से। तो ये देख सकते दोस्तों, चाबी से गाड़ी बंद भी नहीं हो रहा, जबकि हमने चाबी ऑफ करके निकाल लिया है और गाड़ी जो बंद नहीं हो रहा है। और सारी लाइट जो है, सब लाइट जो जल रहे हैं, ऑफ नहीं हो रहा है। जैसे हम जो हेडलाइट को ऑफ करेंगे, हेडलाइट वाला ऑप्शन, तो ये गाड़ी बंद हो जाएगा। ये देख सकते हैं, सिर्फ जब हम पार्किंग का पूरा बंद करते हैं तो गाड़ी बंद होता है, अगर एक काट ही बंद करेंगे तो नहीं होगा। एक बार आपको इससे दिखा देते हैं। तो अभी हम चाबी को लगाते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं, तो सेल मारते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे देख सकते दोस्तों, अभी हम चाबी को निकाल लेते हैं। एक बार फिर से चाबी को हमने निकाल लिया और यहाँ पे लाइट ऑन है, तो अभी एक काटी जो है हम पार्किंग का ऑफ करेंगे और हेडलाइट का। यहाँ पे देख सकते हो, हेडलाइट को ऑफ करने के बाद जो यहाँ पे सारे लाइट जो है ब्लिंक कर रहे हैं कुछ ना कुछ, इंडिकेटर के और हेडलाइट के, और जो गाड़ी बंद नहीं हो रहा, चाबी हमने निकाल लिया। अभी जब पार्किंग वाला भी बंद करेंगे तो ही गाड़ी बंद होगा। यहाँ देख सकते हो क्या प्रॉब्लम, एक नया प्रॉब्लम इसमें है। यहीं से भी चाबी ऑन भी हो रहा है, यहाँ से पार्किंग भी नहीं चल रहा है। तो एक एक चीज़ हम चेक करेंगे और देखते हैं क्या प्रॉब्लम हमको मिलता है इसमें। तो वीडियो में पूरा बने रहे दोस्तों। तो अभी फ्रेंड्स, ये हमारे पास नया क्लस्टर मीटर अभी लेके आए हैं, अभी चेक करते हैं, इसको भी लगाते हैं और चेक करते हैं, देखते हैं इसमें सेम प्रॉब्लम है। अगर इसमें सेम प्रॉब्लम रहेगा तो हमारा जो है वायरिंग और रिले का प्रॉब्लम है, अगर ये डालने के बाद सही हो जा रहा है तो जो हमारा क्लस्टर का ही प्रॉब्लम है। तो ये नया वाला हम जो बिठाते हैं और पुराना वाला निकाल लेते हैं। तो हमने खोल के पहले से रखा था, तो इसको निकाल लेते हैं। तो हमने इसको खोल लिया है, इसको बाहर ले लेते हैं। तो ये हमारा पुराना वाला, इसको हम साइड करते हैं और ये नया वाला हम इंस्टॉल करेंगे।
तो अभी यहाँ पे जो है चाबी ऑफ ही है और पार्किंग भी अभी बंद है। तो अभी यहाँ पे पार्किंग तो नहीं लग रहा है इसमें, तो अभी हम पहले जो है पार्किंग चालू करेंगे, पार्किंग पे देख रहे हैं ऑन हो रहा है कि नहीं। तो अभी हमने यहाँ पे पार्किंग ऑन किया तो इसमें भी जो सेम प्रॉब्लम आ रहा है, ये बिलिंग कर रहा है इंडिकेटर का, हेडलाइट इंडिकेटर दोनों बिलिंग कर रहा है, ऐसा नहीं जो प्रॉब्लम उसमें था। तो अभी ऑन करते हैं इसको हेडलाइट। तो यहाँ पे हमने हेडलाइट को ऑन किया यहाँ से, तो इसमें जो है लाइट नहीं लगा है। तो एक बार हम चाबी को ऑन करते हैं, तो यहाँ पे चाबी ऑन करने पे तो आ गया लाइट, लेकिन सब लाइट जो है ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे अभी ब्लिंक करना बंद हो गया है, जब हम ऑफ करके ऑन करते हैं तो ब्लिंक करता है। तो यहाँ पे देख सकते दोस्तों आरपीएम मीटर हिल भी रहा है, इसमें आपको क्लियर नज़र आ रहा है जब हम इसको ऑन ऑफ करते हैं हेडलाइट को, तो आरपीएम मीटर हिल रहा है, ये देख सकते दोस्तों इसमें हिल रहा है। तो इसमें कुछ अलग अलग प्रॉब्लम, तो हम पहले पार्किंग का चेक करते हैं। तो पहले हम पुराने वाले में भी लगा के चेक करेंगे, देखते हैं प्रॉब्लम पुराने में सॉल्व होगा उसके बाद नया डालेंगे। तो अभी हम उधर चेक करेंगे फ्यूज बॉक्स के पास, फ्यूज बॉक्स के पास आ चुके हैं, तो फ्यूज बॉक्स को खोल लेते हैं। तो अभी इसमें जो है पार्किंग का और इंडिकेटर का जो है दोनों लाइट डायरेक्ट हो जा रहा है। तो हमारा इसमें जो है रिले चेक करेंगे पहले, तो यहाँ पे ब्लिंकर का रिले है, ये दोनों इंडिकेटर का है, और यहाँ पे पार्किंग का रिले, तो पार्किंग का रिले इधर है, तो ये रिले और फ्यूज हमको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रिले में देखते हैं रिले एक्टिवेट क्यों हो रहा है। हम पार्किंग रिले निकालेंगे और पार्किंग रिले में एक्टिविटी चेक करेंगे। तो ये पार्किंग रिले है, ये हमने 3 नंबर से निकाला है। हमने यहाँ पे पार्किंग रिले निकाल दिया है, फिर भी जो है मीटर में पार्किंग लाइट जल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं पार्किंग लाइट फिर भी बिल्कुल जल रहा है। तो पार्किंग लाइट का तो इसमें है दिक्कत, तो चेक कर लेते हैं पार्किंग रिले काम कर रहा है कि नहीं, क्लस्टर मीटर ये शॉर्ट हो गया लगता है। तो इसमें वोल्टेज चेक करेंगे, तो हमारा 30 नंबर है, 30 नंबर हमारा जो है 24 वोल्ट आना चाहिए, 85 में ग्राम 86 में जो है वहाँ से 24 वोल्ट आना चाहिए। तो अभी उन्हें 30 नंबर में पकड़ा है, यहाँ पे जो है 18 वोल्ट आ रहा है, और बाकी को हम 87 में चेक करते हैं। तो यहाँ 87 में 0 वोल्ट सही है, तो यहाँ पे 85 में जो है 0 वोल्ट भी सही है, 86 में भी 0 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज सही आ रहा है। एक बार हम पार्किंग चालू करेंगे और देखते हैं हमारे 86 में जो है 24 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी हम पार्किंग चालू करेंगे, तो यहाँ पे पार्किंग भी बंद है, तो पार्किंग ऑन करेंगे। तो यहाँ पे पार्किंग हमने ऑन किया तो अभी यहाँ पे इंडिकेटर ब्लिंक नहीं हो रहा है। तो अभी जो है 86 में जो वोल्टेज आना चाहिए 24 वोल्ट, तो हमने जो है 86 में पकड़ा इधर, 86 में जो है 18 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज इधर सही आ रहा पार्किंग, और बाकी 85 में 0 है। तो यहाँ पे पार्किंग जो है सही काम कर रहा है, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, लेकिन जो अलग कनेक्शन जोड़ने की वजह से आगे की प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो अभी हम चेक कर लेंगे इंडिकेटर का भी। तो अभी यहाँ पे इंडिकेटर और फ्लेशर दोनों का चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम पार्किंग और हेडलाइट ऑन कर रहे हैं तो हमारा जो हार्टेज रिले वर्क कर रहा है और चाबी भी ऑन हो जा रहा है। इसमें एक मेन वायर आता है बैटरी का, मेन पॉजिटिव, वो हमको चेक करना पड़ेगा। हार्टेज रिले का काम करेंगे, फिर जो है ब्लिंकर का काम करेंगे। ब्लिंकर और हार्टेज रिले जो आपस में कनेक्ट रहता है, अगर फ्रेंड्स आपको इसका अलग वीडियो चाहिए तो हम इसका अलग वीडियो जरूर बनाएंगे, आप कमेंट कर देंगे
इसका हम वीडियो जरूर बनाएंगे। तो झारटा ज़िले का जो हम निकालते हैं और उसमें जो है सप्लाई चेक करेंगे। तो झारटा ज़िले जो है दो तरह से काम करता है, इसमें जो है 5 पिन है और बाकी रिले में जो 4 पिन रहते हैं। तो ये जो है ये जो 12 एम्पियर का है और बाकी जो 10 एम्पियर रहते हैं। तो ये रहा, तो इसमें हम वोल्टेज चेक करेंगे करके। तो यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करते हैं, देखते हैं 30 नंबर में। तो यहाँ पे 30 नंबर में करंट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम 87 में लगाते हैं। तो यहाँ पे 87 में जो है 14 वोल्ट सप्लाई आ रहा है और बाकी जो है 35 में 0 वोल्ट है, ठीक है। और जो है 86 में 0 वोल्ट है और 87A में जो है माइनस में 10 वोल्ट दिखा रहा है। तो अभी हम चाबी को ऑन करते हैं और देखते हैं करंट किस में आ रहा, फिर आ रहा आगे कि नहीं वापस। तो यहाँ से हम जो है अभी हमने रिले निकाला, तो चाबी ऑन करने के बाद जो है हेडलाइट ऑन करने के बाद जो है चाबी ऑन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे झारटा रिले निकाल दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमने जो है हेडलाइट को ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हेडलाइट ऑन करने चाबी ऑन नहीं हुआ, सिर्फ जो है इंडिकेटर और हेडलाइट का जो है हेडलाइट ऑन करना, हेडलाइट का लगना चाहिए तो ठीक है, लेकिन इसके साथ में इंडिकेटर का भी लग रहा है, लेकिन इसमें ब्लिंक नहीं कर रहा है। तो अभी यहाँ पे हम चाबी अभी ऑन करेंगे और चाबी ऑन करने के बाद अभी देखते हैं क्लस्टर में चाबी ऑन हो रहा कि नहीं। तो यहाँ पे जो है चाबी ऑन करने के बाद यहाँ पे चाबी ऑन हो गया है। तो वहाँ पे जो 10 वोल्ट आ रहा है वोल्टेज, उसकी वजह से सप्लाई जो है राउंड हो रही है। तो अभी इसको हम बंद कर एक बार चेक करते हैं वापस, उसमें वोल्टेज में क्या आया। तो अभी हमने चाबी ऑन किया, तो अभी वोल्टेज चेक करते हैं अटैच के पिन नंबर 30 में। तो 30 में यहाँ पे जो है 0 वोल्ट दिखा रहा है और यहाँ पे 87 में लगा रहे हैं। तो 87 में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 5.6 वोल्ट दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे 18 वोल्ट आ रहा था चाबी ऑफ करने के बाद, यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हम 87A में चेक करते हैं, तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट ही आ रहा है और बाकी में ये हमारा ग्राउंड का है, ये 86 में भी 0 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे जो है वोल्टेज जो है कम हो गया है। तो एक बार हम बैटरी का वोल्टेज चेक करते हैं, देखते हैं वहाँ पे 24 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो है बैटरी के 3 पॉजिटिव आए हुए हैं और 3 इग्निशन के। तो अभी इसमें भी चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज आ रहा कि नहीं। तो अभी हमने मेन वाले में लगाया है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों 5.5 वोल्ट ही आ रहा है। और इग्निशन में चेक करते हैं, तो इग्निशन में भी 5.5 ही वोल्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 24 वोल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो एक बार हम बैटरी के चेक कर लेंगे, वहाँ पे भी देखते हैं 24 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो रहे हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी हम बैटरी के पास आ चुके हैं, तो यहाँ पे जो हम एक बार वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे, माइनस वाला लगा दिया है और यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे और माइनस में चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लगाने का जगह नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जो 25 वोल्ट प्रॉपर सही दिखा रहा, माइनस में दिखा रहा है, क्योंकि हमने उल्टा लगाया वायर को। तो यहाँ पे वोल्टेज जो प्रॉपर सही 25 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे जो आगे वोल्टेज नहीं जा रहा है, तो हमको चेक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, हमको जो प्रॉब्लम मिला है ये रिले में 87A में जो है इग्निशन का सप्लाई नहीं आना चाहिए, जबकि चाबी ऑफ में नहीं आना चाहिए, चाबी ऑन करने के बाद जो इसमें सप्लाई आना चाहिए ये 87A बीच वाले में, तो इसमें जो माइनस में 19 वोल्ट आ रहा है और जब चाबी ऑन करते हैं तो इसमें 5 वोल्ट हो जा रहा है। अभी आपको दिखाते हैं, अभी इसमें 19 वोल्ट आ रहा है, अभी हम चाबी ऑन करेंगे तो इसमें 5 वोल्ट हो जाता है। तो अभी हम चाबी ऑन करते हैं, आपको दिखाते हैं इसमें। तो यहाँ पे हम चाबी को ऑन कर लेते हैं,
यहाँ पे हमने चाबी को ऑन कर दिया है, तो यहाँ पे वोल्टेज जो ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 87A में ही पकड़ेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 5.7 वोल्ट ही आ रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहे हैं। तो हमको अभी चेक करना पड़ेगा वोल्टेज ड्रॉप क्यों हो रहा है, वोल्टेज इग्निशन में क्यों आ रहा है। तो एक बार इसके पीछे का हिस्सा खोल के चेक करेंगे फ्यूज करके, किसी ने तो बाईपास तो नहीं किया यहाँ से, और बाकी फिर वायरिंग का चेक करेंगे। तो हमने आगे का प्लग खोला इधर, तो यहाँ पे जो है 24 वोल्ट आ रहा है, दिखा देते मल्टीमीटर। यहाँ पे 25 वोल्ट सप्लाई ऊपर जा रहा है, दोनों में चेक करते हैं। तो दोनों में 25 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे आ रहा है, एक ग्राउंड का हमारा यहाँ पे है। यहाँ से ऊपर जो 24 वोल्ट 25 वोल्ट जा रहा है, तो ऊपर से चेक करेंगे हम।